हम सब चाहते हैं हमेशा स्वास्थ्य अच्छा रहे। हालांकि समय की कमी, अनेकों कार्यों में उलझे रहने और स्वास्थ्य के प्रति ध्यान नहीं दे पाने के कारण सदैव आरोग्य रहने की अभिलाषा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में सबकी जरूरत होती है एक दुष्प्रभाव रहित उपचार। होम्योपैथिक की फील्ड में आने के लिए बड़े भाई साहब डॉक्टर डीसी पांडे को मैं अपना प्रेरणा स्रोत मानूंगा। बड़े भाई साहब मेरे लगभग 80 के दशक में डॉक्टर बने, तो फिर होम्योपैथी हमारा बहुत तेजी चलने लगी। होम्योपैथी प्रोफेशन आने के बाद में कई ऐसी मेडिकल घटनाएं मेरे सामने हुई हैं, जिससे मुझे लगा कि मैं होम्योपैथी प्रोफेशन में आके बहुत अच्छा गया। दुष्प्रभाव रहित होम्योपैथी चिकित्सक प्रणाली के लिए माना जाता रहा है कि इसमें उपचार प्रभावी तो होता है लेकिन समय लगता है। लेकिन अब निरंतर हो रहे अनुसंधान से होम्योपैथी कई बीमारियों से जल्द राहत प्रदान करने लगी है। कई लोगों का की थायराइड की गोलियां हमारी होम्योपैथी की वजह से खत्म हो गई, और होम्योपैथी इतना तेज काम करती है कि जिला अधिकारी जी की मिसेज का जो पेट दर्द है उसी से मैं तुरंत इवन 5 मिनट के अंदर ठीक हो गया था। साहस होम्योपैथी में डॉक्टर डीसी पांडे और डॉक्टर एनसी पांडे ने अपने वर्षों के अनुभव रिसर्च के द्वारा कुछ औषधियां तैयार करवाई हैं, जिनके रोगियों पर चमत्कारिक परिणाम प्राप्त हुए। ये दवाइयां साहस होम्योपैथी क्लिनिक से खरीदने के अतिरिक्त www.sahashomeo.com से भी ऑनलाइन ऑर्डर द्वारा घर बैठे खरीदी जा सकती है। साहस होम्योपैथी क्लिनिक अनेकों रोगियों के सफलतापूर्वक उपचार कर चुके हैं, जिनमें कई लाइलाज बीमारियां भी शामिल हैं। डॉक्टर खुशबू पांडे, लड़की मेरी डॉक्टर एमडी कर रही है, होम्योपैथी का कॉलेज डालना ये आने वाले समय लड़की का भी सपना है और मेरा भी है। लगभग 200 बेड का वहीं भर्ती करके और उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं निरोगी। सभी लोगों से कहूँगा सवेरे टाइम से उठिए, हल्का फुल्का एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और शाम का खाना जल्दी खाइए 7 बजे से पहले, जिससे सोने में और खाने में कम से कम 3-4 घंटे का अंतर होना चाहिए। अब मैं रात में खाना मना क्यों कर रहा हूँ, रात में खाना इसलिए मैंने कहा कि सूर्य की रोशनी की वजह से हमारा खाना पचता है और सूर्य की रोशनी हम लोगों को रात में मिलती नहीं है, दिन में मिलती है, तो इसलिए लेट टाइम खाना मत खाइए, जल्दी खाना खाइए, सुपाच्य खाना खाइए और स्वस्थ रहिए और पानी खूब पीजिए।